हेलो वेज मेरा नाम है निर्मल आप देख रहे हैं मनी माइंडेड इंडिया आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन के चैप्टर नंबर फोर दैट इज कम्युनिकेशन सो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे ऑलरेडी दो वीडियोस फुल लेंथ की अपलोड की जा चुकी हैं लिंक यू कैन फाइंड आउट इन द डिस्क्रिप्शन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एस्पेक्ट सो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं यू कैन सी ओवर हियर कम्युनिकेशन के मीनिंग उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उसमें वर्बल क्या होता है नॉन वर्बल क्या होता है इंटरकल्चरल क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है क्लास कम्युनिकेशन क्या होता है देन वी टॉक अब्ट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एट द एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी राइट सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सो वॉट डू वी एक्चुअली मीन बाई कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इट कुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल इट इन्वॉल्वस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक सेंडर मैसेज मीडियम चैनल रिसीवर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक सो so, इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा ओवरऑल बनता है कम्युनिकेशन जिसमें हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों किसी भी तरीके का एक्सचेंज हो सकता है एंड इसमें सेंडर की जरूरत होती है रिसीवर की जरूरत होती है मैसेज की जरूरत होती है मीडियम की जरूरत होती है चैनल की जरूरत होती है और फीडबैक की जरूरत होती है बिकॉज देन ओनली इट इज अ कम्प्लीट एक्सचेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सो नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बेरियो इट एक्सप्लेन्स एज एस आर सो एस आर मॉडल में हम बात कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर मॉडल की तो एक पार एक है सेंडर दूसरा है रिसीवर इन दोनों के बीच में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सेंडर भेजता है स्टिम्युलस एंड रिसीवर भेजता है रिस्पॉन्स तो इस एस आर मॉडल्स को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैथड्स मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है कैसे वर्बल या नॉन वर्बल दोनों तरीके से कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेश इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स ओपिनियंस एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग आइडिया इज दो टू वे प्रोसेस है दो टू वे तरीका है जिसमें थॉट्स ओपिनियंस और आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है टू इंडिविजुअल टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग तो ओवरऑल जो गोल है कम्युनिकेशन का टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंड जो चीज़ें मुझे पता है मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज को उसी तरीके से अंडरस्टैंड करें दैट इज़ वॉट वी मीन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो डिराइव हुआ दैट दट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनस कम्युनस का मतलब होता है टू मेक कॉमन राइट सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कम्युनिकेशन नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के पहला ऑब्जेक्टिव थ्रू कम्युनिकेशन विद पीपल और थ्रू अदर मीडियम पीपल कीप कीपमसेल्स अपडेटेड मतलब एक दूसरे को अपडेट करने के लिए एक दूसरे को तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं जिससे हम एक दूसरे को अपडेट तो रखते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर वन पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ बाई कम्युनिकेटिंग सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाई कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन जो है फ्लो कहीं ना कहीं बरकरार रहता है दैट इज अगेन एम एग्जाम्पल है टीचर टीचिंग इन द क्लास और फैमिली इंस्ट्रक्टिंग देर यंगर मेबर सो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन एक क्लास रूम में टीचर सिखा रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रही है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पास हो रही है बेटर कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सोसाइटी कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप द सोसाइटी बाउंड सो कुछ चीजें एक दूसरे से कॉर्डिनेट करनी होती हैं समाज में इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज लाइक लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व हर कुछ हर किसी को एक दूसरे से कॉर्डिनेट करना बहुत जरूरी है तो कॉर्डिनेशन के लिए बिना कम्युनिकेट क्रिएट किए आप कॉर्डिनेट नहीं कर सकते दैट इज वाई कॉर्डिनेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मूविंग ऑन सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल एंड पीपल्स बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाई सोसाइटी थ्रू कम्युनिकेशन मतलब आपको किसी को कंट्रोल करने के लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और सोसाइटी में ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटीज़ कल्चर इज़ मेंटेन्ड थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय कम्युनिकेटिंग ओनली सोसाइटी अंडरस्टैंड्स इच अदर्स कल्चर बिलीफ एंड इच अदर्स वे ऑफ लाइफ आप किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो आपका क्या बिलीफ सिस्टम है आपके क्या लाइफ uh, स्टाइल है वो सारी चीज़ें आप दूसरों को कैसे बताओगे ओनली बाय कम्युनिकेशन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो दूसरों को आपका कल्चर आपकी रहन सहन आपके रहने का तरीका ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड टारगेट्स दैट कैन बी अचीव्ड तो आपके गोल्स एंड टारगेट्स अचीव करने के लिए भी आप कम्युनिकेट करते हो इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंट डे टू डे इश्यूज़ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आइडियाज आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं इट इम्प्रूवस डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ कम्युनिकेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं दीज आर दी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन नेचर कैसा है कम्युनिकेशन का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देख के आइडेंटिफाई करते हैं कम्युनिकेशन में ये ये चीज़ें होती हैं वन कैन अचीव मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन बाय प्रैक्टिसिंग द डिजायर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का एक नेचर है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें परफेक्शनिस्ट बनते जाओगे राइटनिकेशन इज अ डायनेट इज नॉट अ स्टेटिक प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्क्लूड्स शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये हमेशा बदलते रहता है तो आपको कम्युनिकेशन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ेंगी आप सेम चीज सेम तरीके से हर बार कम्युनिकेट नहीं कर सकते हर बार कुछ ना कुछ चेंज होगा या तो रिसीवर बदल रहा है या मीडियम बदल रहा है या चैनल बदल रहा है या बताने का तरीका बता रहा है कुछ ना कुछ हर वक्त चेंज हो रहा है तो कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस इट इज नॉट अ वन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ओनली वेन इट इज टू वे अगर मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ आपके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो दैट मींस देर इज नो कम्युनिकेशन सो देर इज ऑलवेज अ फीडबैक अक फीडबैक इज रिसीव्ड वी कैन नॉट से कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज साइक्लिक इन नेचर नाउ इट डजेंट मीन कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली चलते रहती है कहीं पर भी रुकती नहीं है साइक्लिकल है आप मैंने कुछ बोला आपने फिर रिस्पॉन्स दिया उसका रिस्पॉन्स फीडबैक में मैंने कुछ और बोला फिर आपका कुछ और रिस्पॉन्स आया तो इट जस्ट कीप्स ऑन हैपनिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो लाइव हुई ये वीडियो को आपने देखा मेरे साइड से कम्युनिकेशन हो गया आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन आए आपने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दिया आपने फिर कुछ उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस इट डजन स्टॉप एनी वेयर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर कॉपरेशन इज नेसेसरी अगर एक दूसरे से कॉपरेट नहीं किया जाएगा कम्युनिकेशन नहीं होगा कम्युनिकेशन करने के लिए बात करने के लिए आपको सामने वाले को समझना पड़ता है कॉपरेट करना पड़ता है राइट right? कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव वैन डन इन द सेम लैंग्वेज अब मैं आपको हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ आप बोल रहे हो नहीं मुझे मराठी में चाहिए आप बोल रहे हो नहीं मुझे अरबिक्स में चाहिए तो मज़ा नहीं आएगा आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी अगर आपको अरबिक समझ रही है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ अगर आपको मराठी समझ रही है आपको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ मैं मर... इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ आपको सिर्फ हिंदी ही समझ आ रही है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती इट हैज़ टू बी इन द सेम लैंग्वेज रिस्पोंडर रिसीवर को जो लैंग्वेज चाहिए उसी लैंग्वेज में होना चाहिए रिस्पॉन्डर इंटरेस्ट इज इज़ द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन जब मैं अगर क्लास में आगे आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है इट डजेंट मीन कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट आपको समझना इंपॉर्टेंट है मैं क्या सिखा रहा हूँ दैट इज़ नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट माईट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सीखने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट इज़ वाई रिस्पॉन्डर का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जिसको आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको क्या समझ आता है मैं बहुत अच्छा स्पीच देखे इंग्लिश में आ गया पर मेरी ऑडियंस को इंग्लिश आता ही नहीं है तो मेरी स्पेज कितना ही अच्छा हो मेरा कंटेंट कितना ही अच्छा हो बट एट दी एंड परपज सब नहीं हुआ क्योंकि मेरे रिसीवर का इंटरेस्ट जो था वो पूरा नहीं हो रहा है राइट मूविंग ऑन कॉन्टेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन सेम चीज़ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्टेक्ट में कहे जाने पर अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जाती है इसलिए सबसे पहले बताना जरूरी है कि किस बारे में बात कर रहे हो क्या कॉन्टेस्ट है क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है इट इंक्लूड्स द प्लेस वेयर द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस कॉन्फ्रेंस रूम इन पब्लिक क्लासरूम people's familiarity with each other, एंड environment करेक्टर्स formally or informally, and time context बहुत सारी चीज़ों का होता है कब क्या चीज़ बताई जा रही है सुबह में बोलोगे शाम में बोलोगे अलग अलग मतलब निकलते हैं सेम चीज़ की हर जगह पे सिचुएशन के हिसाब से इसलिए कॉन्टेक्स्ट देना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड कंसाइज भैया क्लियर नहीं होगी चीज़ें तो बात नहीं बनेगी आप बहुत सारी चीज़ें बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है बट उसको बताने के लिए आप 2 घंटे लगा रहे हो तो कंसाइसनेस कहीं ना कहीं चली जाती है तो इट हैज टू बी क्लियर एंड कंसाइस कम से कम इन्फॉर्मेशन कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉमेशन पास होनी चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन ऑर्गनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जैसे आप ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी में बातें कर रहे हो दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कम्युनिकेशन कुड भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इज़ फेस टू फेस इंडायरेक्ट इस थ्रू एनी अदर मीडियम अगर सामने सामने हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हम मैंने आपको कुछ मैसेज भेज दिया दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन राइट वो भी एक तरीका है नाउ मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज कम्युनिकेशन वॉट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन में कुछ चीजें होती है अकॉर्डिंग टू कॉल एंड चेन द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स पहला मैसेज बनाना मैसेज फॉर्मुलेट करना मैसेज को एनकोड करना मैसेज को ट्रांसमिट करना मैसेज को डिकोड करना बाय बाय रिसीवर रिसीवर एंड फीडबैक ठीक है है ये जनरली प्रोसेस क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं हर तरीके की का यही प्रोसेस होता है इन जनरल बट क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए भी इस तरीके से बताया गया है तो आप इसे समझ के रहिए इसे आप इसी तरीके से गांध बांध के रखिए कि हाँ दिस इज हाउ कम्युनिकेशन गोज ऑन नाउ टॉकिंग अबाउट इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स यस क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो दो दो लोग होंगे टीचर एंड स्टूडेंट अब ये एक कोई एक रिसीवर होगा दूसरा सेंडर हो जाएगा इंफॉमेशन का इन दिस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस टेक्स प्लेस ओके टीचर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है या मे बी एक्सपीरियंस शेयर करता है या मे बी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डू द सेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डेवलपिंग नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस एंड इवेल्युएशन एबिलिटीज क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं नॉलेज डेवलप करना उसको यूज करना अप्लाई एप्लीकेशन एनालाइज करना एंड इवेल्यूएट करने की एबिलिटीज को डेवलप करना ठीक है इट इज़ यूजफुल वेन इट इज़ टू वे यस सिर्फ टीचर बोल रहा है स्टूडेंट सुन रहे हैं मतलब नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं टीचर सुन ही नहीं रहा है देर इज नो मीनिंग टू इट सो इट हैज बी टू वे वन वे कम्युनिकेशन हिंड स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू आस्क क्वेश्चन एंड क्लियर देयर डाउट्स अगर सिर्फ लेक्चर लेक्चर चल रहे हैं स्टूडेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या स्टूडेंट को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो उनकी एबिलिटीज कभी भी ही नहीं वो कभी डाउट पूछ ही नहीं पाएंगे उनके सवालों का जवाब कभी मिलने ही नहीं वाला इसलिए इट हैज टू बी टू वे फीडबैक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इट इज यूज टू प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज एंड मेक इंप्रूवमेंट अगर फीडबैक नहीं है तो मज़ा नहीं है दैट इज़ एट एंड आई ऑलवेज कि आपके क्वेश्चन सवाल जो भी हैं आप पोस्ट कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में दैट इज वॉट इज फीडबैक फॉर मी यहाँ पे टू वे नहीं हो सकता क्योंकि आपके डाउट्स आप सवाल करके ही पूछ सकते हो अगली वीडियो में या कॉमेंट सेक्शन में मैं आंसर कर सकता हूँ बट इफ इट इज अ अव क्लासरूम Right? ेशन में क्या क्या चीजें आती है द सेंडर इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रूसेज इट इज ट्रांसमिटेड टू द टारगेट ऑडियंस द मैसेज कुड बी स्पोकन वर्ड जेस्टर्स मूवमेंट्स एक्सेट्रा नॉलेज लेवल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिकेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द टीचर मस्ट Conceptualize ideas to be conveyed to students by arranging them in concrete and बाई अंक्रीट एंड इनको एंड मीनिंगफुल सिक्वेंस मतलब क्या क्या चीजें आ रही हैं पहली चीज तो ये इन्फॉर्मेशन है ये शुरुआत होता है sender से sender यहाँ पे हमारा teacher है तो teacher से शुरू हो रहा है मैसेज फॉर्मुलेट कैसे किया जा सकता है स्पोकन वर्ड हो सकते हैं लाइक जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ जस्चर्स हो सकते हैं मूवमेंट हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है एंड इट to बी इंटेंडेड टू द टारगेट ऑडियंस अब जिसको आप बता रहे हो उसके हिसाब से फॉर्मुलेट होना चाहिए कि उसको किस तरीके से समझाया जा सकता है यहाँ पे कम्युनिकेटर का नॉलेज लेवल उसका कम्युनिकेशन स्किल एंड उसका एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके पास कितना नॉलेज है किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकता है और उसका एटीट्यूड कैसा है पॉजिटिव है नेगेटिव है हैप्पी है क्या है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं तो इसलिए मैसेज फॉर्मुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टीचर को आइडियाज कन्वे करते समय स्टूडेंट्स की एबिलिटीज एंड उस तरीके से देख करके देन अपने मैसेज को इतने कॉन्क्रीट कोहेरेंट और मीनिंगफुल तरीके से सिक्वेंस करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का कहीं डाउट ही ना आए या डाउट आता है तो उस लेवल का डाउट होना चाहिए ऐसे आलतू फालतू चीज़ें नहीं आनी चाहिए दैट इज वॉट मैसेज फार्मुलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर होर मूविंग ऑन मैसेज फॉर्मुलेट तो कर लिया आपने बट उस मैसेज को इनकोड करना भी जरूरी है इनकोड का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन ट्रांसमिट्स आइडियाज इनटू योर मैसेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन

जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज़ नहीं भेजना बट यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन में यहाँ पे एनकोडिंग का मतलब हो जाता है कि जिस तरीके से रिसीवर्स को समझ आती हैं चीज़ें उस तरीके से उनको डिज़ाइन करना या उस तरीके से उनको कहीं ना कहीं कोड करके भेजना कम्युनिकेशन uh, को कम्युनिकेट करना तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनकोडिंग इज़ डिफरेंट बट एनकोडिंग को हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि हमारे uh, पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से एनकोडिंग का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है राइट right? नाउ इनकोड कर दिया आपने अब मैसेज को भेजने की जरूरत है कि भाई मैसेज जाना चाहिए दिस चैनल एंड चैनल इज द मीन थ्रू विच कम्युनिकेशन रिसीवर रिसीव द इन फ्रॉम दम्युनिकेटर मतलब सेंडर ने एक अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन करना करना है करना है 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 और उस हिसाब से मैसेज 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 को को ट्रांसमिट आगे भेज देना है, right? Then, भेज देना राइट देन दिया गया गया सेंडर सेंडर तक पहुंच ने उसका समझना जरूरी इन रिसीवर द द द द द मैसेज मैसेज रिसीवर लुक्स लुक्स इन इन एंड ट्राइज टू मीनिंग दैट एंड

इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एवेल्यूएट इज राइट एंड अबाउट द कम्युनिकेशन इट कुड भी वर्बल एंड नॉन वर्बल एग्जाम्पल आपको एक आ, कोई चीज पढ़ाया गया बट आपको समझ नहीं आया जेस्टर राइट फेशियल एक्सप्रेशन और आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन एनी थिंग बाई एनी वे कुछ ना कुछ फीडबैक जाना चाहिए जैसे टीचर ने कुछ सिखाया आपने सिर हिला दिया मै भी उस सिर हिलाने के किस डायरेक्शन पे उससे समझ आता है कि आपको समझाया नहीं समझा आपके आईब्रोज ऊपर है आपने डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड लाइक ज़रूरी नहीं है कि वर्ड से बोल के ही फीडबैक देना है तो फीडबैक कैन भी गिवन इवन बाई नॉन वर्बल मीन्स और नॉन वर्बल वेज बट फीडबैक देना इम्पॉर्टेंट है कैसे दे रो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग नाव फीडबैक मिलता है बट इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉइज नॉइज इज़ द इंटरप्शन इन द कम्युनिकेशन जो अनवांटेड चीज है जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो अननेसेसरी अनवांटेड अनरेगुलेटेड जो हमें नहीं चाहिए इस पूरे प्रोसेस में वो सारी चीजें जो है नॉइस की तरह काम करती है इंटरप्शन कुड भी वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट चैटरिंग लाउड स्पीकर्स इट कैन बी एनी थिंग जो भी चीजें आप कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में तकलीफ डाल रही हैं सब हर एक चीज नॉइज की तरह काम करते हैं जैसे रोड साइड नॉइज फॉल्टी ट्रांसमिशन पुअर हैंड राइटिंग मतलब आपने मैसेज लिख के भेजा है तो मैसेज आपने लिख दिया मीडियम इनकोडिंग डोडिंग सब कुछ परफेक्ट है बट वो आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि पढ़ने नहीं आ रही है सामने वाले को दैट बिकम्स अ नॉइज इन टू दिस प्रोसेस नॉइज इज कंसिडर्ड एज अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर स्मूद एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू एलिमिनेट द बैरियर ऑफ नॉइज दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर नाउ मूविंग ऑन हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएं सबसे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको कैसे बनाएं टीचर मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बाय मेकिंग देम लिसन टू एक्टिव लिसन एक्टिवली मतलब टीचर को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि भाई सुनो पहले टीचर क्या बोल रहा है समझो पहले टीचर क्या बोल रहा है उसको आप एक्टिव लिसनिंग में कन्वर्ट करो टीचर मस्ट अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी एबल टू शेयर द क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स विद द टीचर टीचर को स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन देख के आइडिया लग जाना चाहिए अगर टीचर को ही नहीं समझ आ रहा है कि स्टूडेंट्स कहना क्या चाहते हैं उनके रिएक्शंस क्या हैं कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं नहीं है सवाल कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ देख रहे होते हैं सुन रहे होते हैं बट उनका इंटरेस्ट डिस इंटरेस्ट उनके फेस पे बनने वाले जेस्चर्स एक्सप्रेशन से टीचर को समझ आ जाना चाहिए तभी टीचर उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकता है टीचर्स मस्ट आस्क क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग भैया मैंने सिखा दिया बट आपको समझा नहीं समझा मुझे कैसे पता चलेगा तो उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा आपसे सवाल दैट इज वॉट अ टीचर नीड्स टू डू टीचर को भी सवाल पूछना जरूरी है टीचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं टीचर भी सवाल पूछता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझा कि नहीं समझा टीचर शुड ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड डेवलप एंड डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप विद देम मतलब टीचर को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना जरूरी है हमेशा इट इज टीचर टीचर कहीं ना कहीं क्या रिलेशनशिप स्टूडेंट्स का और टीचर्स का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है तो दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप का होना भी बहुत जरूरी है अ टीचर शुड बी एम्पैथिक टूअर्ड स्टूडेंट्स अभी टीचर ही गुस्से में रहता है टीचर को स्टूडेंट्स पसंद ही नहीं है हमेशा नाराज़ रहता है तो कैसे चलेगा टीचर की कही कहीं ना कहीं एम्पथी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को लेकर के देन ओनली टीचर कैन बी अ गुड टीचर एंड कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स सो एम्पथी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ टीचर कम्युनिकेशन शुड बी प्रिसाइस एंड क्लियर अभी टीचर जो चीजें बोल रहा है अगर वो क्लियर नहीं है क्लैरिटी नहीं है तो बात नहीं बनने वाली तो टीचर ने मैसेज को प्रेसाइस रखना उसको क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम मैसेज के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं तो टीचर का काम है कि उसको क्लियर रखना उसको प्रिसाइस उसको कंसाइज रखना वाइल टीचिंग टीचर शुड ऑलवेज टेक अ पॉज और शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर फिनिशिंग अ टॉपिक अभी टीचर है जिसने एक घंटे के लेक्चर में चार टॉपिक बैक टू बैक सिखा दिए साइड बाय साइड एक साथ सिखा के खत्म कर दिए बीच में ना कोई पॉज है ना कोई क्वेश्चन है ना कोई ब्रेक है कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स हैं यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उस तरीके से सीखेंगे अभी इस वीडियो में जैसे फॉर एक्जाम्पल हमने बैक टू बैक सारे टॉपिक्स हम कवर कर ले रहे हैं बट दिस इज अ वीडियो यहाँ पे यू हैव दैट एक्सेस कि आप जब चाहो तब इस वीडियो को प्ले एंड पॉज कर सकते हो बट इमेजिन द सेम थिंग इन अ लाइव क्लासरूम वहाँ पे ये चीज़ें ऐसे नहीं काम करती रही वहाँ पे हर एक पॉज हर एक टॉपिक के बाद एक पॉज लेना एक ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट है राइट ह्यूमर हेल्प स्टूडेंट्स एंजॉय द टॉपिक स्टूडेंट अ टीचर शुड बी ह्यूमरस नाउ नाउ द इज एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड एट द एंड हर किसी को कहीं कही ना कहीं आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक सेम इन्फॉर्मेशन सेम चीज के बारे में बात कर रहे हो तो लोग बोर हो जाते हैं तो बोर्डम से बचाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है ह्यूमरस थोड़ा बहुत ह्यूमर लेकर के आना चाहिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक टीचर ने बीच बीच में करते रहना चाहिए चाहे वो एग्जाम्पल के जरिए हो या क्लास में हो रही किसी सिचुएशन के जरिए हो या कुछ भी हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हंसी मजाक को इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है उसकी वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहता है स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन एंड टीचर शुड नॉट इंसल्ट देम और क्रिटिसाइज देम बिकॉज इट डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन तो टीचर का काम है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना इनक्रेज करना सवाल पूछने के लिए बट अगर एक आदि स्टूडेंट ने एक ऐसा कुछ सवाल पूछा और वो सवाल लाइक like, बहुत फ़नी है बेकार है इ है या जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है तो अब अगर आप एज अ टीचर किसी स्टूडेंट का इंसल्ट करते हो या मजाक उड़ाते हो तो स्टूडेंट्स उससे डिस्करेज हो जाते हैं एट दी एंड दे आर लाइक नहीं यार सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है ह्यूमिलिटी होने वाली है कहीं ना कहीं टीचर जो है मजाक बनाने वाला है पूरे क्लास के सामने जोक बनने वाला है तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ डिस्करेज करती है डीमोटिवेट करती है सवाल पूछने से तो टीचर को हमेशा ध्यान रखना है कि भले कितना ही सवाल क्यों ना आए बट एट दी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ मैनर सो दैट कि वो स्टूडेंट मोटिवेटेड रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने एक फालतू सा सवाल पूछ लिया जिसका कोई सेंस नहीं है तो टीचर ने बताना है कि ठीक है सवाल ऐसा है आपने पूछा है बहुत अच्छा सवाल है बट यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है एंड मे भी आप किसी स्टूडेंट को बोल सकते हो कि जैसे कुछ ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि रेलिवेंट नहीं है तो एज अ टीचर यू कैन ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास इन पर्सन अकेले में आकर के तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ठीक है ये सवाल अलग था सबके लिए जरूरी नहीं है तो क्लास का अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बट आपने ध्यान रखना है कि आप डिस्करेज नहीं कर रहे हो स्टूडेंट को इंसल्ट नहीं कर रहे हो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है टीचर शुड नॉट बी बायस टुवर्ड्स यानी स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल ऑल टीचर फॉर टीचर ऑल स्टूडेंट्स मस्ट भी इक्वल अभी एक खास टीचर है जो कि किसी एक ही स्टूडेंट स्पेशल टेंशन दे रहा है एक ही स्टूडेंट को बार बार सवाल पूछ रहा है एक ही स्टूडेंट पे बार बार एग्जाम्पल दे रहा है तो कहीं ना कहीं दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग लाइक बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के नाम से एग्जाम्पल देना पसंद करते फॉर एग्जाम्पल वेन आई गो टू अ क्लास में कहीं ना कहीं मुझे पसंद है कि मैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पर्सनल फील करवाता है बट अगर मैं हर एग्जाम्पल में एक ही स्टूडेंट का नाम दे रहा हूं तो बाकी के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि टीचर इज बायस समवेयर तो वो चीज़ ना हो तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो आप हर क्लास में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम पर एग्जाम्पल दे सकते हो मतलब दिस दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बट आइडिया इज की बायसनेस टीचर्स ने नहीं दिखानी चाहिए टीचर के लिए एट दी एंड टीचर इज ियन फिगर तो जब आप अथॉरिटी की बात करते हो तो एज एन अथॉरिटी यू शुड ऑलवेज बी इक्वल जब आप इक्वल रहते हो तो सारे स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप किसी एक स्टूडेंट की तरफ बायसनेस दिखाते हो तो कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स के मन में वो विचार आने लगते हैं कि दिस टीचर इज बायस टू वर्ड ये कहीं ना कहीं पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्लासरूम कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है तो दैट शुड नॉट है लेट्स टॉक अबाउट सर्टन टर्मिनोलॉजीज कुछ कम्युनिकेशन uh, में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं जिनपे सवाल भी आते हैं और जो हमारे ओवरऑल पूरे प्रोसेस में यूज होने वाली चीजें हैं तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं सबसे पहले चीज है नैरो कास्टिंग नैरो कास्टिंग इज वैन द सर्विस इज स्ट्रीमड फॉर लिमिटेड पीपल जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी उस, उस, उससे पहले जैसे हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टर वैन देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन हु कैन वॉच जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया ये वीडियो कोई भी देख सकता है इंटरनेट पे यूट्यूब पे जाके आपके लिए फ्री में अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग बट इसी चीज को अगर मैं लिमिटेड कर देता हूँ कि ये हर कोई नहीं देख सकता है इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको इसके लिए मेरा क्लासरूम ज्वाइन करना पड़ेगा तो दैट इज ऑल्सो ब्रॉडकास्टिंग बट वो सबके लिए नहीं है वो एक लिमिटेड पीपल के लिए है लिमिटेड लोगों के लिए है दैट इज कॉल्ड एज नैरोस्टिंग राइट नैरोस्टिंग नॉट नैरोस्टिंग

नस कम्युनिकेशन फिर है असिंक्रनस कम्युनिकेशन असिंक्रनस मतलब मैसेज डिले हो रहे हैं तुरंत नहीं हो रहे हैं जैसे ई मेल जैसे फोरम्स लेटर्स ई मेल में क्या होता है मैंने मैसेज भेजा फिर आप तक मैसेज पहुंचा फिर आपने भेजा फिर मेरे तक पहुंचा तो इट आफ्टर दी अदर जबकि वीडियो कॉल में ऐसा नहीं होता तुरंत तुरंत लाइव रिएक्शन होता है चैट्स में तुरंत तुरंत लाइव हो रही हैं चीजें तो दैट इज सिंकनस जहाँ पे लाइव नहीं है वहां पे असिंक्रनस देन नेक्स्ट इज सेमियोटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज हाउ साइन इज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज एक ही साइन का मतलब अलग अलग है हर एक जगह तो वो एक ही साइन या एक ही सिंबल का क्या मतलब है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड हैर्टन बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्टर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो जब जब जेस्टर्स से हम कम्युनिकेट जब साइन से कम्युनिकेट करते हैं दैट इज सीमिक्स सेमेंटिक्स भी बोलते हैं जब हम जेस्टर्स से कम्युनिकेट करते हैं स नहीं यहाँ पे एक टाइम का भी आता है उसमें टाइम के बारे में बात की जाती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड क्लास नाउ टीचर एंड क्लास के बीच में क्या होता है इट एक्सिस्ट वेन द कम्युनिकेशन वेन द टीचर कम्युनिकेट्स विद द क्लास ठीक है वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम टीचर और क्लास के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो उसे हम जनरली वर्बल ही होती है द टीचर टेल स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट और एनी स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज बींग टॉट सिंपल सी बात है इफ़ अ टीचर स्कोर्स द होल क्लास फॉर टॉकिंग दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जब टीचर पूरे क्लास से बात कर रहा होता है हम उसकी बात कर रहे हैं राइट right? टीचर और पूरे क्लास के बीच में हो रही कम्युनिकेशन तो टीचर पढ़ाएगा टॉपिक के बारे में बताएगा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएगा राइट right? कई बार टीचर डांट भी लगाता है क्लास को तो वो सारी चीजें आ जाती है टीचर कम्युनिकेटिंग विद द क्लास थ्रू नॉन वर्बल वेज एज वेल टीचर बिना वर्ड लाइक बिना वर्ड्स को यूज किए भी कम्युनिकेट कर सकता है जैसे टीचर ने कुछ सवाल पूछा है टीचर का कोई रिएक्शन हो सकता है तो वो सारी चीजें आ जाती हैं थ्रू पोस्टर्स जेस्टर्स और कमिंग क्लोज टू स्टूडेंट्स इट कैन बी एनी थिंग एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट बाई शाउटिंग अ टीचर को मूव टूअर्ड द स्टूडेंट हु द मोस्ट थ्रू दिस द डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट रिसिवज द मैसेज ऑल्सो दिन द क्लास डिजर्व द टीचर्स इंटेंशन एज वेल सो ऑब्जर्व वही चीज है कि अगर सारे पूरी क्लास हल्ला कर रही है और कहीं ना कहीं आ, ना क्लास में जो है नॉइज क्रिएट हो रही है तो टीचर पूरी क्लास को डांटने के बजाय एक जो मस्ती करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बात करने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर टीचर उनके पास चला भी जाता है विदाउट सेइंग एनीथिंग जस्ट लुकिंग देम आई टू आई कहीं ना कहीं दे गेट द मैसेज कि हाँ टीचर इज नॉट लाइकिंग दिस वी नीड टू चेंज आर बिहेवियर और ये चीज पूरी क्लास ऑब्जर्व करती है और पूरी क्लास में कहीं ना कहीं ये मैसेज कम्युनिकेट होता है कि टीचर इज नॉट हैप्पी विद वॉट एवर इज हैपनिंग तो ये दोनों तरीके से इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड क्लास वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से होता है देन वी हैव द कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन अ टीचर इंटरक्ट डायरेक्टली विद द स्टूडेंट तो जब पूरे क्लास से बात हो रही है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग इट इज वन टू जनरल यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात हो रही है सो टीचर इंटरेक्ट डायरेक्टली विदूडेंट टीचर्स एक्ट वन ऑन वन विद पार्टिसिपेट स्टूडेंट इन द फ्रंट ऑफ द क्लास ये पूरे क्लास के सामने हो रही बातें हैं ये ऑफ द क्लास नहीं ये ऑन द क्लास है दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन अ टीचर वांट्स टू पॉइंट आउट द इनप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स प्राइवेटली प्राइवेटलींस्टेड ऑफ द क्लास दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि भाई पूरे क्लास के सामने ना बोल के प्राइवेटली भी बातें की जा सकती हैं बट इट इज बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल्सो इफ अ टीचर वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट दिस इज इफेक्टिव तो किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करना है उसके लिए भी जरूरी है किसी किसी स्टूडेंट को डांट लगाना है उसके लिए भी ज़रूरी है इट कैन बी इन फ्रंट ऑफ द क्लास इट कैन बी प्राइवेटली एज वेल राइट दैट इज बट द आइडिया इज कि ये कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है दूसरा स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन मतलब स्टूडेंट से टीचर की तरफ होने वाली कम्युनिकेशन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डायरेक्ट बट इन दिस स्टूडेंट इनिशियट द कॉन्वर्जेशन दिस ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग होल क्लास पार्टिसिपेशन फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ टीचर ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन ये स्टूडेंट्स uh, ने पूछे गए सवाल है टीचर से दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंगेजेस अ सिंगल स्टूडेंट विद अ टीचर इन फ्रंट ऑफ द क्लास इफ द टीचर स्टार्ट द कम्युनिकेशन देन इट इज टीचर स्टूडेंट एंड इफ द स्टूडेंट स्टार्ट द कम्युनिकेशन दैन इट इज स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स राइट ई मेल्स टू दैर टू आस क्वेश्चन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज अटन फॉर्म ऑफ स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन तो स्टूडेंट uh, जो है सवाल भी पूछ सकते हैं डाउट्स पूछ सकते हैं या कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं या डायरेक्टली असाइनमेंट्स या कुछ भी चीज़ें भेज सकते हैं टीचर को इन राइटिंग सो ऑल द बाई ऑल द मीन्स दिस इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू द टीचर टीचर स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर बोथ बोथवेज़ इसके बाद एक और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है क्लासरूम में दैट इज कॉल्ड ए स्टूडेंट स्टूडेंट कम्युनिकेशन एक हो गई आपकी स्टूडेंट क्लासरूम टीचर क्लासरूम एक हो गई टीचर स्टूडेंट दूसरी हो गई स्टूडेंट टीचर और एक और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो बचती है वो हमारी स्टूडेंट स्टूडेंट्स के बीच में दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स वैन टू और मोर स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद इच अदर स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अक्सेसफुल होल क्लासरूम डिस्कशन रिक्वायर स्टूडेंट टू कम्युनिकेट विद इच अदर ऑफकोर्स स्टूडेंट्स अगर एक दूसरे से बात नहीं पूछेंगे तो कैसे होगा स्टूडेंट्स एक दूसरे से एग्री करते हैं डिस एग्री करते हैं डाउट पूछते हैं डिस्कशन करते लॉट ऑफ थिंग्स हैपन देयर कुड भी अग्रमेंट एंड डिस एग्रीमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स दिस फॉर्म ऑफ कम्येशन ऑल्सो अकर्स वैन स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स टू कम्पलीट असाइनमेंट एक ग्रुप असाइनमेंट है

स्टूडेंट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं या आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं वॉट एवर वी द रीजन बट द आइडिया इज एक स्टूडेंट पूरे क्लास या एक स्टूडेंट या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पूरे क्लास के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो स्टूडेंट्स क्लास में जाके प्रेजेंटेशन दे रहा है या मे बी कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है या मे बी कोई सवाल पूछ रहा है इट कैन बी एनी थिंग बट इट इज हैपनिंग टू द एंटायर क्लास दैट इज वट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट क्लास कम्युनिकेशन नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कॉमन लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो जिससे आप बातें कर रहे हो जिन दो लोगों के जिन दो पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है उनकी कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है अगर लैंग्वेज कॉमन नहीं होगी तो कैसे बातें करोगे आप कॉन्टेक्स्ट इमोशंस एंड इंटेंशन ऑफ द मैसेज इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल भाई मैं क्या बता रहा हूँ मैंने कुछ तो बताया आपने कुछ तो समझा क्यों क्योंकि हम दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको बताने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन हर हर एक कोर्स में हर एक करिकुलम uh, में अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स हैं बट अब यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन आपको सिखा रहा हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ दैट इज़ फॉर यू जी सी नेट पेपर वन तो मेरे लिए बताना जरूरी है कि ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो जो आप सुन रहे हो ये यू जी सी नेट पेपर वन के लिए है तो अगेन वो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है क्यों बता रहा हूँ वो जरूरी है इमोशन क्या है वो बताना जरूरी है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है मैसेज शुड बी क्लियर क्लियर बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है मैं आपके लिए या ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ या कम फास्ट हो रहा हूँ या स्लो हो जा रहा हूँ वट एवर बी द रीज़न चीज़ें क्लियर होनी चाहिए क्या बता रहा हूँ आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है मेरी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है वीडियो सही से नहीं दिख रहा है तो चीज़ें कैसे चलेंगी तो इट हैज़ टू बी क्लियर क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द मैसेज शुड बी सिंपल शॉर्ट एंड कॉन्क्रीट शॉर्ट होना सिंपल होना एंड कॉन्क्रीट होना बहुत जरूरी है देर शुड नॉट बी एनी डिले इन रिसीविंग फीडबैक मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझे तो तुरंत पूछो आप अगर आप डाउट पूछने में जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा गैप होगा कम्युनिकेशन में तो इट हैज़ टू बी इमीडिएटली आपको समझ आया तो तो भी ठीक है यू शुड गिव अ थम्स अप दैट इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक नहीं समझाया नहीं अच्छा लगा आप डिसलाइक करके या सवाल पूछ के भी फीडबैक दे सकते हो इन आइदर वे द फीडबैक हैज़ टू बी गिवन इमीडिएटली द सेंडर शुड हैव एम्पथी विद द रिसीवर ऑफ कोर्स अगर एम्पथी नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है जस्चर्स एंड अदर नॉन वर्बल टेक्निक्स फैसिलिटेट कॉन्वर्जेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर जस्चर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्बल्स वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा वर्ड्स के अलावा जो हमारे ओवरऑल बिहेवियर एटीट्यूड पोस्चर्स बात करने का तरीका वो सारी नॉन वर्बल टेक्निक्स में आ जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट आप बोलोगे सर इतना फास्ट क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ पे इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है इसी वीडियो में तो जो चीजें हो गई हैं उनमें दोबारा से आ रही हैं वो चीजें तो इसलिए हम फटाफट कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है हमने सीख लिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं दैट इज द थिंग उसमें सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन द ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंडर अंदर इसलिए हम उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मैसेज टेक्स प्लेस विद पीपल एट द सेम हायरार्की अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज में होने वाले कम्युनिकेशन का पार्ट है तो जब किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी संस्था में कम्युनिकेशन होती है तो वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी कंपनी में हायरार्कीज होती हैं तो वो किस लेवल की हायरार्की पे कम्युनिकेशन हो जाता है हॉरिजॉन्टल का मतलब हायरार्की का मतलब होता है ऊपर कुछ लोग हैं फिर नीचे कुछ लोग हैं तो ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग हैं तो जब सेम लेवल के लोग बात कर रहे हैं जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर और सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा क्योंकि दोनों मैनेजर हैं बट दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं तो बट हायर कही कहीं ना कहीं दोनों हायर में दोनों का लेवल सेम है तो इट इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मैसेज टेक्स प्लेस विद द पीपल एट द सेम हायर पीपल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन आर पीयर्स एंड कलीग्स एट द सेम लेवल एक ही लेवल के कलीग्स एंड पीयर्स होते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अ पर्सन ऑफ द सेम रैंक फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व जैसे परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर या जैसे सेल्स डिपार्टमेंट दो दो कंपनीज के अलग अलग सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर्स या दो मे बी ब्रांचेस के सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर्स बट कहीं ना कहीं उनका रैंक दोनों का सेम है द कम्युनिकेशन हियर कुड बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो दोनों तरीके से हो सकती है वो फॉर्मल मतलब काम के रिलेटेड भी बातें कर सकते हैं इनफॉर्मल मतलब ऐसे ही कुछ भी गॉसिप बिंग भी कर सकते हैं या इट कैन बी एनी थिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों पॉसिबल है दिस जनरली फॉर्मल ही होता है राइट दिस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग टीम्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज नॉट स्टॉल्ड बाई एनी चेन ऑफ कमांड तो ये हायर आर्की से बियॉन्ड हो जाता है इट्स लाइक दो मैनेजर्स से दोनों सेम लेवल पे हैं तो एक दूसरे के साथ लाइक like, ना वो एक दूसरे के बॉस हैं, ना जूनियर है ना सीनियर है तो कहीं ना कहीं दोनों का लेवल सेम है दोनों की पावर्स एक जैसी हैं तो कमांड लाइन और हायर आर्की कहीं ना कहीं साइड हो जाती है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लैटरल कम्युनिकेशन लैटरल मतलब साइड बाय साइड हो रही है इसलिए लेटरल बोलते रहे हैं। तो हॉरिजोंटल या लेटरल साइड बाय साइड मतलब आप दोनों दोनों वर्टिकली देखोगे तो एक एक के नीचे एक मतलब जूनियर्स और सीनियर्स के बीच की बात हो रही है बट सीनियर्स और सीनियर्स दो अलग अलग हायर के लोग एक लेवल में ही बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो जाती है उसका जस्ट उल्टा है वर्टिकल वर्टिकल में एक ही लाइन के एक ही कमांड लाइन के लोग बात कर रहे हैं जूनियर्स टू सीनियर या सीनियर्स टू जूनियर्स दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक्स मतलब एक लोअर रैंक का है एक हायर रैंक का है तो वो वर्टिकली चीजें जाती हैं इन दिस देर इज अ हायर आर्की इन्वॉल्व इन एक्सचेंजिंग मैसेज अब वर्ड हाईकी है इसीलिए वर्टिकल बोल रहे हैं हाईराकी नहीं होती तो रैंडम हो जाता बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ अपने इमीडिएट जूनियर या सीनियर से ही बातें कर रहे हो वन कम्युनिकेटर विल बी सुपीरियर टू अनदर विद इन द सेम डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड डिडेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अगर जूनियर से सीनियर की तरफ जा रही है तो अपवर्ड अगर सीनियर से जूनियर की तरफ आ रही है तो डाउनवर्ड तो इट्स लाइक मैनेजर से आप फोरमैन फोरमैन से सुपरवाइज सुपरवाइजर सुपरवाइजर से वर्कर तक कम्युनिकेशन हो रहा है तो डाउनवर्ड कोई चीज अगर वर्कर से फोरमैन तक जा रही है फोरमैन से इंजीनियर इंजीनियर से सु, सुपरवाइजर वहां से मैनेजर ऐसे जा रही है तो अपवर्ड हो जाएगी तो डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे भी हो सकती है बट एक हायरकी फॉलो करती है राइट सेम चीज उसको डिवाइड किया हमने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अपवर्ड मतलब कहीं कही ना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही कम्युनिकेशन इन दिस फॉर्म ऑफ वर्टिकल इन दिस फॉर्म ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन मैसेज और इन्फॉर्मेशन फ्लोज टू हायर अथॉरिटी फ्रॉम लोअर अथॉरिटी ऊपर की तरफ पास हो रही है दैट इज वाई अपवर्ड बोल रहे हैं सो बॉटम अप भी बोलते हैं इसको अपवर्ड को बॉटम अप भी बोला जाता है सो इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव बिकॉज द अपर अथॉरिटी इज ओपन टू कम्युनिकेट विद द लोअर अथॉरिटी फीडबैक्स अब क्या चीजें जाएंगी कंप्लेन्स जाएंगे फीडबैक जाएंगे सजेशन जाएंगे ग्रीवेंसेस जाएंगे आर रास्ट फ्रॉम लोअर अथॉरिटी बाई दियर दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स इन इफेक्टिव वैन हायर अथॉरिटीज डो नॉट एनकरेज और हेजिटेट लेट द कम्युनिकेट विद द लोअर अथॉरिटी तो जब अगर आप नीचे के लोगों की बात नहीं सुनना चाहोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होने वाली तो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लेन सुनो आप सजेशन एंड फीडबैक्स सुनो जस्ट का डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दिस फॉर्म ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन मैसेज और इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू द लोअर अथॉरिटी इन दिस कम्युनिकेशन गोज इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन असेसमेंट परफॉर्मेंस एक्सप्लेन एट्सट्रा दमीशन दर इज is ऑफ इंफॉर्मेशन और एट कंज्यूम्स टाइम की है भाई आप एक, एक चीज को explain करने में 10 घंटे लगा रहे हो तो workers, juniors आपके employees आपके bore हो जाएंगे तो आपको टाइम लेना नहीं है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इफॉर्मेशन बतानी है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन आधी दूरी पास ऑन हो रही है तो मतलब नहीं है बट जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे दर दोज आर कम्युनिकेशन राइट तो इसको टॉप डाउन भी बोलते हैं और अपवर्ड कम्युनिकेशन को बॉटम अप भी बोलते हैं क्योंकि बॉटम से अप की तरफ जा रही है डाउनवर्ड जो है टॉप से डाउन की तरफ आ रही है राइट right? बट ये दोनों जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन के आ, सब डिविजन है सब पार्ट है ठीक है सब कैटेगरीज है सॉरी नाउ अगेन रिपोटेशन ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक्स नॉट वर्टिकल दिस हैजू बी वर्टिकल हो गया हाँ इवॉल्ड एक्च ऑफ इफॉर्मेशन मैसेज बिटवीन द पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक दर इज अर आर्की इन्वॉल्व इन एक्सचेंजिंग मैसेज वन कम्युनिटी विल भी सुपीरियर टू अदर विदिन द सेम डिप्टमेंट ऑर्गनाइजेशन दिसमेशन फर्द अपड एंड डाउन ऑफ द सेम थिंग जस्ट स्कीप दिस वन नाउ डायगनल कम्युनिकेशन इन इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दर इज नो हायर आर्की इनवॉल्व डायगनल कम्युनिकेशन में कोई हायर नहीं है मतलब कोई भी कहीं से भी किसी से भी कुछ भी बातें कर रहा है डायगनल इसीलिए नाम दिया गया है अगर एक ही हायर के दो अलग अलग डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में सेम हायर के लोग बात कर रहे हैं तो वो हॉरिजेंटल हो जाता है एक ही हाइर के लोग बात कर रहे हैं तो वर्टिकल uh, हो जाता है बट ना हम कोई हायर देख रहे हैं ना कोई लेवल देख रहे हैं ना कोई डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना कोई अपवर्ड डाउनवर्ड ना वर्टिकल ना हॉरिजेंटल सब मिक्स एंड मैच चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज डायगनल ठीक है द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड

मूविंग ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी ये भी तक अभी अभी तक जो हमने देखे कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है ना अगर हम इसी चीज़ को लाइक like, स्ट्रक्चर के बेसिस में हमने डिवाइड किया तो तीन हो जाते हैं हमारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डायगोनल उसी चीज़ को फॉर्मेलिटी के बेसिस में डिवाइड किया तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सॉरी तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आएंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल सो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एनी अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो ये जनरली इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज में होते हैं इसमें क्योंकि रूल्स रेगुलेशन एंड कन्वेन्शंस आर फॉलोड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन प्लान्स एंड पॉलिसीज मतलब कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन चीज़ें फॉलो की जा रही हैं इंफॉर्मेशन फ्लोज सिस्टमैटिकली हर इंफॉर्मेशन का हर कम्युनिकेशन का हर चीज़ को पास ऑन करने का एक सिस्टम है एक तरीका है इन दिस कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड एंडिकेट मैटर द मोस्ट आप किस तरीके से कैसे बता रहे हो बातें कर रहे हो क्या लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इट वुड बी टाइम कंज्यूम बिकॉज ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज़ आपको हर जगह पूरे प्रोटोकॉल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना है तो उसकी वजह से कई कई बार काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्शन कुड बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड डायगनल ये तीनों भी हो सकते हैं राइट दैट इज फॉर्मल इसका जस्ट अपोजिट है इनफॉर्मल दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली देर आर नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन दोस्तों से बात करने का कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है आप कुछ भी बातें कर सकते हो दिस दिस इज टर्म एज ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन क्यों क्योंकि ग्रेप वाइन को आप देखोगे ग्रेप ग्रेप वाइन इज लाइक ग्रेप्स का जो पौधा होता है उसको आप देखो किसी भी तरीके से कहीं पर भी ग्रो करता है कैसे भी स्प्रेड करता है तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये भी कहीं से भी शुरू होती है कैसे भी स्प्रेड करती है इसका कोई सिस्टम नहीं है इसका कोई रूल नहीं है तो इट बिकॉज इट कैन लेट टू द स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स एज द सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैसेज इज डिफिकल्ट टू ट्रेस कहाँ से शुरू हुआ है किसने किसी क्या बात बोला है वो ढूंढना बहुत मुश्किल है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एफिश एंड इट जैसे कोई मैसेज आपको पास ऑन करना है अगर आप फॉर्मली पास करोगे लेटर तो लोग पढ़े भी नहीं आपका लेटर। या के तो पता चल जाता है दैट इज वॉट ग्रे पॉइंट दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्शन वर्डिकल डायगनल कुछ भी हो सकता है इसका कोई कंट्रोल कोई स्ट्रक्चर कुछ फिक्सड नहीं है देन वी हैव समिंगशन नेटवर्क नाउ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं नेटवर्क्स मतलब अगेन किस तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं उसके ऊपर हम जिसको बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क सो सबसे पहला जो नेटवर्क आता है दैट इज कॉल्ड एज चेन नेटवर्क चेन नेटवर्क मतलब एक से दो ए, पहले से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे ऐसे जब एक एक करके सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है एक चेन के थ्रू जैसे आप चेन को देखोगे तो चेन में कैसे एक के बाद दो दो के बाद तीसरा ऐसे बहुत सारे हुक्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर के चेन बनाते हैं तो जब इन कम्युनिकेशन ऐसे वो पहुंचती है एक दूसरे के थ्रू तो दैट इज कॉल्ड एज चेन कम्युनिकेशन इन दिस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड मेंबर्स कम्युनिकेट विद इच अदर इन अ प्री प्लान सीक्वेंस बताया जाता है कि कौन किसको बताएगा कि जैसे सीईओ ने मैनेजर को बताया मैनेजर ने सुपरवाइजर को बताया सुपरवाइजर ने वर्कर्स को बताया तो एक चेन फॉलो हो रही है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइक वर्टिकल कम्युनिकेशन भी हो गई ये आपकी टॉप uh, डाउन हो जाएगी लाइक डाउन कम्युनिकेशन जिसको बोलेंगे और ये चेन नेटवर्क भी बना रही है तो दीज आर दी ऑल पॉसिबिलिटीज देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज व्हील नेटवर्क व्हील नेटवर्क मतलब व्हील एक व्हील uh, में भी वैसे ही होता है कि कहीं ना कहीं सेंटर में एक है वहाँ से चीज़ें एक दूसरे से एक से दो दो से तीन तीन से चार ऐसे फैल रही हैं बट कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट है हर किसी का व्हील का कैसे एक सेंटर होता है तो उसी तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होता है सो इन दिस कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन फ्रोस इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर टू द रेस्ट ऑफ द तो एक सेंटर है जिससे सारी चीज़ें कनेक्टेड होते हैं जैसे व्हील का एक सेंटर होता है इट इज ऑल्सो नोन एज दैटवर्क बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज मूविंग फ्राम वन सेंटर टू ऑल्बर्स इन द इन ऑल मेंबर्स लाइक अट्टार तो उसको स्टार या व्हील नेटवर्क नाम दिया गया है क्योंकि सेंटर से चीज़ें सब एक दूसरे तक पहुँच रही हैं सेम चीज़ सर्कल नेटवर्क सर्कल में भी क्या हो रहा है चेन की तरह ही बातें एक दूसरे से पहुंच रही है बट वो सर्कल से पहुंच रही है इन दिस कम्युनिकेशन मेंबर्स कम्युनिकेट विद देयर फेलो मेंबर्स अबाउट देयर बिलीव्स एक्सपीरियंसेस एटिकेट्स एटसेट्रा इन दिस इंटरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल मतलब अगेन कहीं से भी कुछ भी बातें हो रही है बट एक सर्कल में चीज़ें फैल रही है कि एक से दो दो से तीन दो तीन से चार ये चार से पांच पांच से फिर वापस पहले के पास आ गई तो अगेन वो यहाँ पर भी जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही होती है बट एक कहीं ना कहीं एक सर्कल की तरह नजर आता है अगर आप सारे पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे एंड एट एंड ऑल चैनल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे कोई कुछ फॉलो नहीं हो रहा है सब कहीं ना कहीं कुछ भी कैसे भी इंटरेक्शन हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो ये भी ऑल ऑल इसको चैनल या फ्री फ्लो कह देते हैं या मेस नेटवर्क बोल देते हैं जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है कुछ नहीं है कोई पर्टिकुलर सिस्टम या फॉर्मेट नजर ही नहीं आ रहा है राइट नाउ छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन में चार सेवन सीज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका कंसाइसनेस uh, कि मैसेज जो है वो कंसाइस होना चाहिए वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए जितना इन ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए जितने में आपका काम हो रहा है उतना ही आप चीज़ें यहाँ पे डालो ठीक है देन कंप्लीटनेस जो भी मैसेज आप दे रहे हो वो कम्प्लीट है कि नहीं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया आपने कुछ भी डाल दिया वो आधा अधूरी चीज़ें काम नहीं करती है तो कम्प्लीट होना चाहिए देन उसका वट वी से करेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर चीज़ें करेक्ट ही नहीं हैं तो भाई कंसाइज तो है कि एक लाइन में आपने मैसेज लिख दिया और वो एक लाइन कंप्लीट भी है बट वो करेक्ट ही नहीं है झूठी बातें आप फैला रहे हो तो मज़ा नहीं है वो उसका करेक्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है कॉन्क्रीट कि वो कितना सॉलिड है कितना मज़बूत है जो आप बता रहे हो क्या सच में वैसा ही है क्या वैल उसकी वैलिडिटी पर कोई सवाल तो नहीं है तो उसका कॉन्क्रीटनेस भी उतना इम्पॉर्टेंट है देन क्लैरिटी सारी चीज़ें तो बराबर है बट बर वो क्लियर ही नहीं है तो वो क्लियर होना भी ज़रूरी है आप बोलोगे नहीं उससे आपका कंसाइसनेस कम हो जाएगा चलेगा बट क्लैरिटी तो अचीव हो रही है राइट कर्टसी आप मैसेज दे रहे हो उससे धमकी की तरह नजर आ रहा है तो नहीं वो प्यार से बातें करनी है आपका मैसेज कभी भी सामने वाले को डराना धमकाना या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है आपका मैसेज कम्युनिकेट करना है तो उसमें कर्टसी इंपॉर्टेंट है एंड देन कंसिडरेशन आप हर किसी को कंसिडर कर रहे हो कुछ भी चीज़ें छोड़ रहे नहीं हो ना किसी लोगों को छोड़ रहे हो आप हर किसी को समझ के जैसे आपने मैसेज बना बनाया है तो आपके ऑडियंस को कंसिडर करके ही चीज़ें बनाई बनानी चाहिए आप हर किसी को उसमें इंक्लूड कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड एज सेवन सीज इसके अलावा है फोर एस फोर एस ऑफ कम्युनिकेशन में बात करते हैं स्ट्रेंथ की कि आपको स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए सिंसियर होने चाहिए आप शॉर्टनेस होनी चाहिए एंड सिंपलिसिटी होनी चाहिए मतलब आपका मैसेज सिंपल होना चाहिए आप कहीं ना कहीं शॉर्टनेस पे ज़्यादा बिलीव करने चाहिए आप सिंसियर होने चाहिए एंड आप का जो फोकस होना चाहिए वो स्ट्रेंथ की तरफ होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज फोर एस ऑफ कम्युनिकेशन देन वी वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मास मीडिया सो मास मीडिया में क्या होता है मास मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन मॉडर्न कल्चर एज इट अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट टीचेस अ लार्ज ऑडियंस एट द सेम टाइम जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं मैं आप यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ आप देख रहे हो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मास मीडिया इन सम ऑफ द प्रीवियस नोट्स Uh, we have okay, uh, ये हमने ऑलरेडी लाइक तीन चार टॉपिक्स में बात की है हमने इस बारे में. And, however, beyond, uh, पे आप एक लार्ज ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे होते हो मास कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलशन दिस इंक्लूड द डिस्सेमिनेशन ऑफ मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन वाइडली रैपिडली एंड unceasingly Unce uh, un to a large diverse and anonymous audience to sum up communication meant for large groups is mass communication and the media used for communication of this is known as mass media such as television newspaper radio internet computer etc मतलब एक लार्ज ऑडियंस से इंटरेक्ट करना इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन एंड इसमें होने वाली यूज होने वाली है मीडिया इसलिए इसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन सिंपल एज दैट मास मीडिया के क्या क्या टाइप्स हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया में आपके बेसिक जैसे पुराने पुरानी चीज़ें हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं जिसमें आपका फोक डांस फोक कल्चर बहुत सारी चीज़ें जो लाइक पुराने ज़माने से चली आ रही हैं कि लोक संगीत लोकगीत वो सारी चीज़ें आपके ट्रेडिशनल में आ जाते हैं फिर आता है प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया मतलब जहाँ पे आप चीज़ें प्रिंट कर रहे हो जैसे आपके जर्नल्स हो गए आपके न्यूज़पेपर्स हो गए आपकी बुक्स हो गई आपके पीरियोडिकल्स मैगजीन्स तो ये सारी चीज़ें आपके प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हम बात कर रहे हैं टीवी की सिनेमा की रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तो वह ऑडियो विजुअल डिवाइसेस की तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो में और उसके बाद जो आता है वो आपका न्यू मीडिया न्यू मीडिया मतलब आज के डेट में जैसे इंटरनेट कंप्यूटर सोशल मीडिया पॉडकास्ट ई मैगजीन जर्नल्स लाइक ई जर्नल्स ये सारी चीज़ें आपके न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया में आ जाते हैं तो क्या क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं सोशल मीडिया नॉट सोशल मीडिया बट मास मीडिया के क्या क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं पहली चीज लार्ज ऑडियंस दूसरा वो ऑडियंस हैट्रोजीनस या होमोजीनस कुछ भी हो सकती है होमोजीनस मतलब एक टाइप की ऑडियंस भी हो सकती है हेट्रोजीनस भी हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया तो ये वो सारे लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं जो यू जी सी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक तरीके की ऑडियंस हो गई जिसको हम होमोजीनियस बोल सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि यू जी सी नेट का प्रिपरेशन करने वाला ही देख रहे हैं कोई भी देख सकता है क्योंकि ये तो पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए अवेलेबल है तो हेट्रोजीनस भी हो सकती है तो अलग अलग तरीके की भी हो सकती है सेम तरीके की भी हो सकती है टूल फॉर कल्चरल रिप्रोडक्शन यस आप मास मीडिया में क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो किस तरीके की मूवीज़ लोग देख रहे हैं उसकी वजह से किस तरीके की मूवीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से लोगों का कल्चर चेंज हो सकता है राइट रैपिड एंड सीमलेस बहुत जल्द होता है आप YouTube में वीडियो डालो आपको पता नहीं कितने लोग कब देख सकते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस बहुत जल्दी देख सकते हैं और बिना कोई डिस्टर्बेंस के देख सकती है तो रैपिड एंड सीमलेस होता ही होता है इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव अभी ये वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पास हो रही है कुछ चीज़ें आपको पता चल रही हैं कुछ ना कुछ एजुकेशन आप तक पहुंच रहा है तो इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव दोनों है कॉस्ट इफेक्टिव यस आप ये वीडियो आप फ्री में देख रहे हो तो ऑफकोर्स कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है लैक ऑफ प्राइवेसी हाँ प्राइवेसी इज अ थिंग इस वीडियो में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज आई के नॉट कीप दिस वॉइस प्राइवेट टू मी अगर इसमें मैं अपना वीडियो दिखा रहा हूँ तो वो तो पब्लिकली चला गया मेरा डेटा मेरी इनफॉर्मेशन तो पब्लिकली चली गई है उसमें ऐसा नहीं है कि उन चीजों को आप रिट्रैक रिट्रेस कर सकते हो तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं गॉन है एक कहावत है कि प्राइवेसी इज अ मेथ इन द इंटरनेट सो इंटरनेट में एक बार जो चीज़ चली गई वो चली गई आप उसमें प्राइवेसी और ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते तो यहाँ पर दैट इज समथिंग अगेन कंसर्न दैट वी शुड बी लुकिंग एट वन वे कम्युनिकेशन हाँ मास मीडिया में इंटरेक्शन कम होता है अभी चीज़ें में जैसे आप अब आज के डेट में हम बोलेंगे कि यूट्यूब लाइव भी हो सकता है टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है पॉसिबल है बट जनरली मास मीडिया में हम जो ट्रेडिशनली बात करते आ रहे हैं वन वे ही होता है अभी जैसे आपने सवाल पूछे मेरे ऊपर है मैं उस सवाल को इंटर... इंक्लूड करूँ या ना करूँ मैं लाइव कर रहा हूँ बट लाइव में मुझे वही बोलना है जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर मैं आपके सवाल आपके इंटरक्शन आपका इंटरेक्ट ना करूँ तो अगेन इट्स अप टू मी तो मोस्ट ऑफ द टाइम मास मीडिया में भी वन वे कम्युनिकेशन ही हो रही होती है इमीडिएट कंजम्पशन ये वीडियो डाली की आप तुरंत देखना शुरू कर सकते हो इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है तो कंजम्पशन भी इमीडिएट होता है इट इज अ डायनामिक प्रोसेस हमेशा बदलता रहता है पहले लोग टीवी देखते थे फिर लोगों ने यूट uh, नेटफ्लिक्स uh, देखना शुरू किया यूट्यूब देखना शुरू किया लोग अब रील्स देख रहे हैं तो डायनमिक है बदलते रहती हैं चीज़ें लोग कुछ भी देखते हैं रेगुलेटेड रेगुलेटेड मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ ना कुछ कंट्रोल है कि मैं क्या डालूंगा ये मैं डिसाइड करूँगा मैंने कुछ डाल दिया यूट्यूब डिसाइड करेगा तो हर जगह कुछ ना कुछ रेगुलेशन कुछ ना कुछ कंट्रोल आते रहता है मास मीडिया में तो जो ओनर्स हैं कुछ भी चेंज कर सकते हैं मैं कुछ भी दिखाकर आपको डिपेंडिंग अपॉन आप मैं किस तरीके का कॉन्टेंट डाल रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ राइट दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड और कंट्रोल इन समे समुंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी सोसाइटी पे क्या क्या इंफ्लुएंस पड़ता है तो so, सबसे पहला जो है वह लिमिटेड इफेक्ट्स थियोरी में हम बात करते हैं द मीडिया हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल एज पीपल यूजली रीड एंड वॉट स्टफ बेस्ड ऑन देअ बिल्फ सिस्टम मतलब इसका मतलब होता है कि सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं है मास मीडिया का क्यों क्योंकि मैं कुछ भी डालू सब इंटरनेट पे कुछ भी रहे बट आप तो वही देखोगे जिसपे आपका इंटरेस्ट है जो आपको पता है तो लाइक आप पे सोशल मीडिया का या मास मीडिया का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें देख रहे हो तो दिस इज दिस इज अ थियरी जिसमें हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी पे मास मीडिया का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि लोग अभी हर तरीके की मूवी आ रही है हॉरर भी आ रही है कॉमेडी भी आ रही है रोमांटिक भी आ रही है बट मैं बोलूंगा नहीं रोमांटिक मूवीज ज़्यादा आ रही है तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट रोमांस की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है इट doesn't mean मीन जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं देखेगा राइट अगर मुझे सलमान खान की फिल्म पसंद है तो मैं सलमान खान की फिल्म देखूंगा मैं शाहरुख की नहीं देखने जाऊँगा तो इट इस टोटली अप टू माई इंटरेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख की मूवी नहीं आ रही तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ या सलमान की मूवी आ रही है इसलिए मुझे देखना कंपल्सरी है तो इट it इट्स इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट समाज को किस चीज़ में इंटरेस्ट है समाज क्या देखना चाहता है सोसाइटी क्या देखना चाहिए लोग क्या देखना चाहते हैं उस हिसाब से ही लोग कंज्यूम करेंगे कॉन्टेंट आप उनके ऊपर प्रेशर कितना भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता है This is one है, समझ सकते हैं हम ठीक है दूसरी थियरी क्या होती है दूसरी थी थीमिनेट मतलब, कर रही है मीडिया उसी क्लास के परस्पेक्टिव उसी क्लास के ओपिनियंस एंड बिलीफ सिस्टम को कही कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करती है यूजलीमिक एलाइट और पोलिटिकल एलाइट की हम बात कर रहे हैं एज पर दिस थियोरी मैसेजेस दैट आर Disseminated by mass media is hugely controlled and regulated by a dominant class. This happens in conjunction with the corporate mergers of media houses. In cases where ownership is restricted to corporations, media becomes more about consumerism than information. Yes, it is very much we are able to see. The modern advertising is the example of such influence. This makes the relationship between mass media and society. कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ़ इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स मीडिया आल्सो बिकम्स अ टूल फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन हैंड्स ऑफ पावर एलीथस तो कहीं ना कहीं इसका कहना है कि जो एलिथ्स हैं सोसाइटी के समाज के चाहे वो पोलिटिकल एलिट्स इकोनॉमिक एलिट हों या किसी भी तरीके से हो सकते हैं कहीं ना कहीं मीडिया में उनका परस्पेक्टिव उनका व्यू ही नज़र आता है मीडिया उनको ही कंसिडर करती है और समाज में उनका इन्फ्लुंस बढ़ते जाता है दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज क्लास डोमिनेंट थियोरी नाउ वेन वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू थ्रो लाइट ऑन फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट ऑफ मास मीडिया मतलब मास मीडिया के क्या क्या फंक्शन है तो पहला फंक्शन इन्फॉर्मेशन येस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है सोशलिज्म सोशलिज्म के को प्रमोट किया जाता है तो टूल फॉर सोशलिज्म एंटरटेनमेंट हम सबको पता है डेवलपमेंट येस yes, कही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को प्रोवाइड किया जाता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ हो रहे हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन कल्चर्स कैन बी रिपोर्ड्यूस डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों को पॉलिटिकली जागरूक भी किया जाता है लोगों की पॉलिटिकल इंटरेस्ट या कुछ भी चीजें हो सकती हैं तो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच अ मास ऑडियंस और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इट इज इट इज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू रीच द जनरल पब्लिक द मास मीडिया इज एवरीट और इंटेंड टू सेंड मैसेजेस टू अ

कन्वेंशनल मीडिया इन्वॉल्व द ओल्डेस्ट आर्ट म्यूजिक एंड डांस एग्जिस्टिंग इन द कंट्री एंड कैरीड फॉरवर्ड बाई द जनरेशन इन एवरी कंट्री देंशेंट आर्ट फॉर्म इज कंसिडर्ड एज मीडियम टू कम्युनिकेट एज दे इनफॉम एजुकेट एंड स्प्रेड नॉलेज थ्रू एंड थ्रू एंड ओवरऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आज हमने कुछ चीज़ें बदल दी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई आज हमारे पास बात करने का कॉन्टेंट कंज्यूम करने का तरीका बदल गया इट डजेंट मीन की सदियों से जो चीज़ें हो रही हैं वो झूठी हैं या गलत है वो भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जा रही है क्योंकि वो आज तक अगर वो चीज़ पास ऑन होकर आई है तो मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस है कुछ तो उसमें जान है तभी तो वो चीज़ अभी भी जिंदा है राइट दैट इज़ वॉट इज ट्रेडिशनल मीडिया द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया आर द परफॉर्मेंसेज आर स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत तुरंत की जाती हैं द कॉन्टेक्सट ऑफ एक्ट इज सिंपल एंड मोर कम्फर्टेबल टू पास ऑन बहुत सिंपल है और आर आसाम से आसानी से चीज़ें कंज्यूम की जा सकती हैं आसानी से याद रखी जा सकती हैं परफॉर्म कैन मेक चेंजेस इन दिस एक्ट क्योंकि कंट्रोल में सारी चीज़ें दी ऑडियंस एंड परफॉर्मेंस जनरली नो इच अदर एक दूसरे को जान रहे होते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग हैं और वन ऑन वन हो रही हैं चीजें तो कहीं ना कहीं भले लोग ज्यादा हैं दस लोग बीस लोग सौ लोग पचास लोग हैं बट कहीं ना कहीं कुछ कॉमननेस होता है लोग आर्टिस्ट को जान रहे होते हैं या आर्टिस्ट में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं क्योंकि अगर बड़ी चीज़ हो गई तो फिर बड़े लेवल पर जाएगी बट छोटे लेवल पर जो ड्रामा हो रहे हैं जो एक्ट हो रहे हैं जो फोक डांसिस हो रहे हैं जो म्यूजिक हो रहा है जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है दैट इज ट्रेडिशनल मीडिया देन वी हैव प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया हैज़ इट्स ओरिजिन इन एटीन सेंचुरी इन यूरोप एंड सिंस देन हैड यूजली अफेक्टेड द मास मीडिया इट इज एन ऑर्डर लॉजिकल एंड अप टू डेट कलेक्शन ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड देयर कल्चर फूड एंड ट्रेडिशन मतलब चीज़ें आप लिख के कहीं ना कहीं पब्लिश कर रहे हो लोगों तक तो पहुंचा रहे हो जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन जर्नल्स तो ये सारी चीज़ें आपके प्रिंट मीडिया में आ जाती है इसकी शुरुआत एटीन सेंचुरी यूरोप से हुई प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स मैगज़ीन्स बुक्स सो न्यूज़पेपर आर हमें पता है न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं रोज के टॉपिक्स कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है मैगजीन्स एंड पीरियड मतलब जो हैपनिंग्स या डिपेंडिंग ऑन जॉन रॉइ इंटरेस्ट कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें आती हैं बट डेली नहीं आती एक टाइम पीरियड में आती हैं जैसे छः महीने में आ गई तीन महीने में या हर महीने में या पंद्रह दिन में या साल भर में डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट गोस बुक्स बुक्स मतलब कुछ भी आपने लिख दिया एक लैंग्वेज में जो कहीं कही ना कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक बुक लिख दी और पब्लिश कर दी दैट बिकम्स अ बुक बट कहीं ना कहीं वो भी प्रिंटेड होती है उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ सिनेमाटोग्राफी बाय दी कहीं ना कहीं इसमें ल्यूमन uh, ब्रदर्स का नॉट ल्यूमन ल्यूमियर ब्रदर्स का नाम आता है ल्यूमन ब्रदर्स अलग चीज है वो अलग कॉन्टेक्सट है कंडक्टेड द प्रीमियर शो ऑफ सिनेमा इन एटीन नाइनटी फाइव लेटर द रेडियो इन्वेंटेड बाय लेट uh, uh, कहीं ना कहीं मार्कोनी का नाम इसमें आ जाता है एंड इन दोनों के नाम से हम जो है कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं नाउ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इंक्लूड्स टेलीविजन रेडियो एंड फिल्प्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम सबको पता है बात करते हैं मॉडर्न डे मीडिया की तो मॉडर्न डे मीडिया में हमारे सोशल मीडिया पॉडकास्ट ब्लॉगिंग ई बुक्स ई मेल्स वेबसाइट्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सो द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब ओपन सेवरल न्यू एवेन्यूज फॉर मास कम्युनिकेशन विच इंक्लूड ई मेल वेबसाइट्स पॉडकास्ट कैंडल्स ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक ट्विटर इंस्टाग्राम द मॉडर्न डे सिरियोज ऑफ इंस्टेंट एंड एक्सेसिबल ऑन अंगल क्लिक मास मीडिया द नाइनटीन नाइनटीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ब्लॉग्स आर कनेक्टिंग टू द होल वर्ल्ड सो ये मॉडर्न डे मीडिया कुछ इस तरीके से काम करती है आज के डेट में फंक्शंस ऑफ मास मीडिया इन मॉडर्न डे सोसाइटी हमने बात किया इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटाइजेशन की कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है पोलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करता है कल्चरल ट्रांसमिशन होता है कि लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं कहीं ना कहीं कॉन्शियस होते हैं कल्चर कल्चरल ट्रांसमिशन होता है लोगों में द लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है सोसाइट सोशलिज्म के लिए एज एन एजेंट काम करता है एंटरटेनमेंट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द मीन्स एंड मीडियम्स तो चीज़ें उस तरीके से कहीं कही ना कहीं काम करती हैं तो दीज आर सिक्स पॉइंट्स एक पॉइंट को यहाँ पे नंबरिंग नहीं है बट सिक्स पॉइंट्स सो तो मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन इज दस एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी क्यों हमने ज्यादा फटाफट कर रहे हैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहे क्योंकि ये भी हमारा हो चुका है रेपिटेटिव अगेन सो so, रिपेटेटिव चीजें वी आर नॉट पुटिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर की तरह काम करती हैं बैरियर मतलब रुकावट की तरह काम करती है कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ एवरी एंटिटी अराउंड अस कम्युनिकेट बी इट प्लान्स और Microorganisms. The need to communicate is not just a mere exchange of information between entities or groups, but it is a vital a part of our existence. In the dictionary meaning of communication is to exchange or convey by creation, writing, or other means to uh, disseminate data. Communication in modern age is characterized by the meaning spread, effectiveness, and all its uh, all powers ability to transmit the boundaries, geographical, physical, or even psychological. इफेक्टिविटी कम्युनिकेशन हैज मेनी एंड कुड कुड बी बी सेवरल फैक्टर्स दैट नॉट रिसीवर गेट द करेक्ट मैसेज और ऑल्सो इंटरप्रीट तो उनको हम बोलते हैं बैरियर्स इफेक्ट कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में जो चीजें बाधा बन रही हैं रुकावट बन रही हैं दोज आर कॉल्ड एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो सबसे पहले जो बैरियर आते हैं दे आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स किसी संस्था के कल्चर एंड उसका स्ट्रक्चर कैन बी अ बैरियर कि भाई आपने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा है कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन दी एम्प्लॉज आपने सारे एम्प्लॉज को अलग अलग जगह बैठा रखा है अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठा रखा है कैसे काम चलेगा स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स आपका जॉब आप आपको एक ही चीज़ में एक ही काम में स्पेशलाइज किया गया है तो आपका कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है किसी और से इन एडिकुएट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज आप बात तो करना चाहते हो बट बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है आपको फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लोगों को किस तरीके से पावर दिया गया है कि भाई जरूरत ही नहीं है कम्युनिकेट करने की आपके पास सारी पावर सारी एबिलिटीज हैं सब कुछ है या मे बी कुछ भी नहीं है तो इट कैन बी एनी थिंग बट दिस कैन बी अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन कि भाई किसी के पास ज़्यादा पावर आ गए तो इस लाइक मैं क्यों बात करूँ किसी के पास कम पावर है तो इस लाइक मेरे पास पावर ही नहीं है मैं क्यों कम्युनिकेट करूँ कुछ भी तो दीज आर ऑल बैरियर्स फिजिकल बैरियर फिजिकल मतलब एक्चुअली आने वाले बैरियर्स सो द फिजिकल बैरियर्स आर द वन वेर द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रिसीवर कम्स इन टू द पिक्चर कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन इज बेस्ट वैन इट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज ईजियर ओवर शॉर्टर डिस्टेंसिज वैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज लाइक ऑनलाइन मीडिया और इन दीज बैरियर आर रिड्यूज द मोस्ट कॉमन फिजिकल बैरियर्स आर एनवायरमेंटल स्ट्रेसिस फिजिकल फटीक अदर्स लाइक आप थक गए थकान की वजह से बात बात करने के लिए रेडी नहीं है कुछ बताने के लिए रेडी नहीं कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं है इन्वायरमेंट में इतनी गर्मी है इतना नॉइज़ हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड हैं तो इट कैन बी एनी राइट सो बट फिजिकल है एक्चुअल में आप देख सकते हो फिजिकल मीन्स दे आर विजिबल देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल मतलब लोगों के थॉट्स लोगों के इमोशंस लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं लोग खुश हैं तो उस पर डिपेंड करता है अगर आप डिप्रेस डिप्रेशन में जा रहे हो आपके आसपास की चीज़ें अच्छी नहीं हो रही तो आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से बिल्ड होगी ऑटोमेटिकली आप उस तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो दैट बिकम्स अ बैरियर so it can be, uh, like, there are barriers that are created inside the physique of a person. they may be a result of person's thought or uh, perceived notions. some important ones are cognitive, dis, uh, cognitive, cognitive dissonance. so this occurs when the receiver purposefully chooses to ignore the message due to dissonance or conflict in his thoughts and the signal he receives. for example, statutory warning on, एल्कोहल बॉटल्स तो वार्निंग आई बट फिर भी लोग बोल रहे हैं नहीं हमको सुनना ही नहीं है तो दैट इज़ समथिंग दैट इज देर दिन उसके अलावा हो सकता है स्टीरियो टाइपिंग स्टीरियो टाइपिंग मतलब आपने मान लिया कि चीज़ ऐसी ही होती है जरूरी नहीं, हो. नहीं, नहीं, नहीं है कि वैसे ही होसो और थिंकिंग अबाउट नोइंग एवरी थिंग कि जैसे मैंने मान लिया कि मुझे सब आता है तो मैं नई चीज सीखने के लिए रेडी ही नहीं हूँ दैट इज माई स्टीरियो टाइपिंग मिस मैच इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दिस है सेंडर इज ऑफ अ डिफरेंट डोमेन एक्साम्पल द टीचर ऑफ फिलोसोफी डिलीवर्स लेक्चर इन दिस्ट्री क्लास तो फिलोसोफी के हिसाब से बनाएगा उसका पर्सपेक्टिव ही अलग है तो कहीं ना कहीं वो भी एक बैरियर बनेगा मैथ्स का टीचर आपको इंग्लिश सिखा रहा है इंग्लिश का टीचर जाके आपको मैथ्स uh, सिखा रहा है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम राइट डिफेंसिव एटीट्यूड एंड क्लोज ब्रेन द बैरियर अराइज वेन द पर्सन हैज स्ट्रॉग अर्स टू मेनटेन द स्टेटस स्टेटसोर द इग्नोरेंस विच ही हैज इट कैन ऑल्सो इंक्लूड फियर एंगजाइटी टेंशन एंड इट कैन बी एनी थिंग आपकी दिमाग कितना आप ओपन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो आप कितना डिफेंसिव हो आपका एटीट्यूड कैसा है उससे पर करेगा सेल्फ इमेज अगर आप खुद की इमेज को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव होगी अरे ये मजाक मैं कैसे कर सकता हूँ मेरा इमेज तो एकदम सीरियस वाला है तो कहीं ना कहीं आपके इन्फॉर्मेशन में बैरियर बनेगा कम्युनिकेशन में बैरियर बनेगा दिस इज द मोस्ट कॉमन बैरियर टू द कम्युनिकेशन द पीपल आर रिसेप्टिव टू ओनली दोज मैसेजेस दैट बूस्ट देयर सेल्फ इमेज एंड निगलेक्ट दो मैसेजेस विच आर अपोजिट टू इट देन फिल्टरिंग मैंने कुछ बताया बट आप उसको फिल्टर लगा के आगे पास ऑन कर रहे हो असेंडरस कॉन्टेंट बी फिल्टर टू सूट द नीड्स ऑफ द रिसीवर कई बार जरूरत होती है कई बार जरूरत नहीं है फिल्टर so, की जरूरत है आपने नहीं लगाया दैट इज़ अ बैरियर जरूरत नहीं थी फिर भी आप उसको फिल्टर करके लगा रहे हो दैट इज़ अ बैरियर राइट तो वो होते हैं साइकोलॉजिकल देन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं दीज बैरियर्स आर दी ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैरियर्स एंड दी मोस्ट पॉपुलर वन दे ऑल्सो अराइज ड्यू टू वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज बैरियर्स

Some of the common linguistic barriers are semantic barriers, a general disagreement about the words being used between the sender and receiver. They might not agree to the language used. Their one comes from different language and cultural and uh, cultural seating. That is a barrier language used. Cross culture this deals with the communication between varied cultures and society. A person from Japan willing to break the barrier and communicate with someone from India. Right? Toh, bhai, लैंग्वेज तो आपने सीख लिया बट कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस तो आने वाले हैं तो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स उसमें आते हैं हाई कॉन्टेक्सट एंड लो कॉन्टेक्सट कल्चर्स की भाई सेम चीज़ का मतलब कुछ और हो सकता है ना राइट कॉन्टेस्ट इज वॉट वी ट्राइंग टू से सोसाइटीज़ आर हाई कॉन्टेक्सट यूज़ वर्ड्स हैवीली वेर एज द पीपल बिलोंगिंग टू द लो कॉन्टेक्स सोसाइटीज यूज़ वर्ड्स सेल्डम तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो एंड कम्युनिकेशन इज़ कैरीड मेनली थ्रू नॉन वर्बल रूप तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है तो लोगों का मतलब बदल जाता है देन मैकेनिकल बैरियर्स मैकेनिकल बैरियर्स आर बैरियर्सर दैट कैन अराइज इन बोथ इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द वेरियस कॉजेज ऑफ मैकेनिकल ऑब्सटिकल्स कुड बी टेक्निकल बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन चैनल इलिजिबल हैंड रंग और नॉइजी टेलीफोनिक लाइन्स तो लाइक मैकेनिकली एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि भाई इंटरनेट डाउन है या सोशल मीडिया डाउन है या तार निकल गई या लाइट चली गई रिकॉर्ड कर, करते -करते, कर दिया तो noise, like, जो आपका ऑडियो है वो बदल जाएगा राइट right? वो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है और उसमें पावर कट हो गया अचानक से या सिस्टम डाउन हो गया तो मैकेनिकल बैरियर्स द मैकेनिकल वॉल्स कैन क्रिएट डिफिकल्टी रिसेप्शन ऑफ पार्ट ऑफ द मैसेज कुछ भी हो सकता है कि लाइट चली गई पावर कट हो गई तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है या पूरे पूरे मैसेज में पूरे पूरे कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम हो गई है राइट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप यू अंडरस्टुड समथिंग सम वॉट कुछ कोशिश किया है मैंने समझाने की आपको जितना समझ आया आपके हिसाब से उस हिसाब से गिव दिस वीडियो थम्स अप अगर आपने यहाँ तक देखा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक आपको मैथमेटिक आपको यू जी सी नेट पेपर वन के कंप्लीट वीडियोज़ मिलने वाले हैं इस चैनल पर एंड यू जी सी नेट पेपर टू इन कॉमर्स डोमेन आपको कंप्लीट सारे वीडियोज़ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रिविजन एंड प्रैक्टिस सारी चीज़ें मिलने वाली हैं ओवर द नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज दैट वी आर लेफ्ट विथ राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो